टॉफी लेके, टॉफी लेके, अब देखो कैसे लड़ रही है टॉफी लेके। ये आपने नहीं देखा, ये टॉफी लेके लड़ रही है, मेरी टॉफी वापिस दो। देख लो टॉफी लेके लड़ रही है, तो इतनी खतरनाक इमेज बन गई इसकी। तो अब ये दिमाग आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि अंग्रेजों से लड़ ली टॉफी लेके, कि टॉफी लेके लड़ ली है। देखो जबकि ये पीछे वाला बच्चा है ना, ये मांग रहा है टॉफी, और टॉफी लेके लड़ ली। तो अब आपको ध्यान में आ जाएगा, कन्वर्ट करना आ गया। देखा था सेमिनार में, मैंने डिजिट का डेमो करके दिखाया था, देखा था। तो वो डेमो मैं अभी आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे करते हैं, क्या होता है। एक चेयर रखना इधर, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कैसे किया जाता है। अब मेरे साथ साथ करेंगे फास्ट। अपनी कॉपी के अंदर एक हेडिंग डाल लो, पहला एक चैप्टर आपको बता रहा हूँ ये, कि आप अपनी कोई भी बुक्स के अंदर अगर आपको ईयर याद करने हो, सन याद करने हो, तो कैसे किया जा सकता है ना। सन और ईयर कैसे याद करते हैं वो भी अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो सन और ईयर आपकी सोशल स्टडी की किताब में कुछ ईयर होते होंगे, इस सन में ये हुआ था, इस सन में वो हुआ था। तो ईयर के साथ में या कहीं भी कोई डिजिट आती है तो उसे कैसे याद किया जाता है वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है फोनेटिक। फोनेटिक स्पेलिंग क्या होती है, फोनेटिक, ठीक है जी। ये अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लो, अभी अपन पहला चैप्टर ये सीख रहे हैं, फोनेटिक्स, PHONETICS, फोनेटिक्स। अगर नहीं लाए हो पेज तो एक दूसरे से शेयर कर लो, अदरवाइज ये जो चीज यहाँ लिखी गई है ये आपको व्हाट्सएप के ऊपर हम लोग भेज देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे आपके पास आ जाएगा। तो पहला मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोनेटिक्स। फोनेटिक्स में कुछ कोड्स होते हैं, जो कोड आपको याद करने होंगे और अभी याद होंगे और एक मिनट में याद होंगे, और मैं ही आपको याद कराने वाला हूँ। ये चीज आपको क्या करनी है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वन, वन के सामने मैंने लिखा टी और डी, टू के सामने एन, ये क्या चीज है एक बार लिख लीजिए, थ्री के सामने एम, फोर के सामने आर, फाइव के सामने एल, सिक्स के सामने सी एच, एस एच, जी और जे, सेवन के सामने के और सी, एट के सामने एफ और वी, नाइन के सामने पी और बी, और जीरो के सामने एस और जेड। सिर्फ ये आपको याद करना है। कैसे याद होगा, मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना कैसे याद होता है। देखो अभी आपके सामने क्या दिखाई दे रहा है, वन के सामने लिखा है टी और डी, टू के सामने एन, थ्री के सामने एम, फोर के सामने लिखा है आर, फाइव के सामने एल, सिक्स के सामने सी एच, एस एच, जी और जे, ठीक है जी, सेवन के सामने के और सी, एट के सामने एफ और वी, ठीक है, नाइन के सामने पी और बी, जीरो के सामने एस और जेड। ये हमारे को बाय हार्ट होने चाहिए और बहुत जबरदस्त तरीके से याद होने चाहिए। तो अभी मेरे को ध्यान से देखना है इसको कैसे याद करना है। देखो वन के ऊपर याद करना है, देखो ये क्या चीज बनी हुई है, वन है। देखो अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो क्या हो जाता है, टी, तो इस वन की वजह से टी बना हुआ है, तो पहला याद हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो डी बन गया, तो वन के सामने इस वन की वजह से ये डी बना हुआ है, तो वन का टी और डी खत्म होगी कहानी। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये टू जो लिखा है ना, देखो टू का उल्टा क्या होता है, एन होता है। देखो अगर मैं टू को ऐसे लिख दूं तो ये तो एन बन गया ना, टू का उल्टा एम, और सॉरी थ्री का उल्टा, अगर मैं थ्री को ऐसे लिख दूं तो देखो एम बनता है, तो उल्टा सीधा समझ में आ गया। अब फोर के ऊपर आते हैं, हिंदी में फोर कैसे लिखा जाता है, हिंदी के अंदर जब अपन अंक लिखते हैं ऐसे लिखते हैं ना फोर, हिंदी में, और इंग्लिश में आर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो फोर का ही फोर दिख रहा है ये हिंदी में, और आर हो गया, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं देखो फाइव पे, फाइव का आपको याद करना है, लास्ट में बताऊंगा, अगर याद कर सकते हो तो फाइव का याद करो, फाइव का एल, ठीक है। सिक्स का चारों याद करा रहा हूं, सिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, छह। अगर छह साउंड से मेरे को कोई स्पेलिंग लिखनी है तो मेरे को क्या वर्ड यूज करना पड़ेगा, या तो सी एच या एस एच, दो यूज होंगे, सी एच या एस एच, तो सिक्स की वजह से सी एच एस एच याद हो गए। अब जी और जे याद करते हैं, जी और जे याद करने का क्या तरीका है, दो छह आमने सामने लिखो, देखो मैंने लिखा दो छह आमने सामने, बस एक के ऊपर जे और एक है जी, तो बन गया दो छह आमने सामने लिखोगे जी और जे बन जाता है। तो सिक्स की वजह से जी और जे भी याद हो रहा है, सी एच और एस एच याद हो गया, ठीक है। सेवन का आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं, क से अगर कोई चीज लिखनी है तो के यूज होता है, और सी कैट से यूज, कैट होता है तो भी सी यूज हो रहा है, ठीक है, दोनों चीज हो गई। अब आते हैं देखो एट, एट पर, एट के सामने क्या लिखा है, एफ और वी। रोमन में फाइव कैसे लिखते हैं, ऐसे, तो वी भी तो ऐसे ही लिखते हैं, तो एक चीज हो गई खत्म। एफ कितनी लाइनों से मिलकर बना है, वन टू थ्री, तो मैंने तीन लाइनें आगे लगा दी, याद करने का स्टाइल है ये, क्या कहलाया, आठ। तो एट का एफ और वी हो गया, याद करने का स्टाइल है। अब नौ के ऊपर होता हूं, देखो नाइन का, अगर नाइन के सामने मैं अगर कांच लगाऊं मिरर तो ये मुझे उल्टा दिखाई देगा, तो नौ का उल्टा और सीधा पी और बी होता है। और जीरो का एसेट याद रखना है, एस और जेड, एन,
थ्री का उल्टा एम, फोर को हिंदी में कैसे लिखते हैं आर, फाइव का सिक्स का सी एच एस एच जी जे कैसे बनता है, छह साउंड आ रहा है तो सी एच एस एच, ठीक है जी हो गया। जी और जे दो छह आमने सामने लिखे, एक को ऐसे कर दो जी बनता है, एक के ऊपर ऐसे कर दूंगा तो जे बनता है, ठीक है जी। सेवन का के और सी आपको याद करना है, सेवन का हो गया। एट का एफ और वी, एफ के अंदर कितनी लाइन है तीन, वी वी कैसे दिखाई दे रहा है रोमन का, सॉरी रोमन का फाइव, तो कैसे हो गया आठ हो गया। नौ का उल्टा और सीधा, ठीक है जी। जीरो का एस और जेड, तो चलो एक बार देख लेते हैं आपको याद हुआ कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ और दूसरी चीज सिखाता हूँ, देखो मैं लिखता जाऊंगा आप मुझे बताएंगे, अपनी कॉपियां मत देखो। वन का क्या होता है ऐसे ही पूछ लेते हैं, वन का, टू का, थ्री का, फोर का, फाइव का, सिक्स का, ठीक है, सेवन का के और सी, ठीक है, एट का एफ और बी, नाइन का, वेरी गुड, और जीरो का। अब आपको याद हुआ या नहीं इसको चेक करने का मेरे पास एक तरीका है, तो मैं यहां पर कुछ चीज लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा, मैंने लिखा 217, 217, ये आप अपनी कॉपी के अंदर लिख सकते हो, नहीं तो यहीं पर देख लो। टू का कोड क्या होता है, तो देखो मैंने एन लिख दिया आपके कहने पे, टी, वन का टी और डी, तो कोई भी एक ले लो, तो मैंने आपके कहने से टी ले लिया। सेवन का सी, के और सी, तो मैंने आपके कहने से के ले लिया। अब मेरे को एक आप में से कौन ये दिमाग लगाएगा कि एन के आगे या पहले, टी के आगे या पहले, के आगे या पहले, कोई भी लेटर लिखो, अल्फाबेट लिखो और इससे कोई वर्ड बना के बताओ जिसका कोई अर्थ निकलता हो, तो एक हेल्प मैं आपके कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर तो बन गया कुल्फी, तो एक कन्वर्ट करना आ गया आपको। चलो एक और देख लेते हैं, कन्वर्ट करना आया या नहीं आया आपको। चलो ये बताओ, इसका बताओ, सिक्स 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 सिक्स, सारे और सबके लिए एक हिंट दे देता हूँ, यहाँ पर सब जगह ये ले लो, अब बनाओ क्या बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है। चाचा चाची बन गया, बनाना आ गया आपको। चलो एक और चीज बना देता हूँ, फिर आपको मैं एक चैप्टर करा के दिखाता हूँ कैसे होता है। चलो एक और करते हैं, ये लो आपके लिए मैंने कर दिया थोड़ा बहुत, वेरी गुड बढ़िया वेरी गुड। चलो एक और कर लेते हैं, एक और चलो 9474, अब लिखूंगा नहीं, आप लिख के बताओ क्या बनेगा। आपके लिए मैं हेल्प कर देता हूँ, ये वेरी गुड, ठीक है, पार्कर बन गया है, ठीक है। अब आगे समझ में, अब अपन करेंगे कुछ बढ़िया चीजें। देखो इंडिया के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज का मतलब क्या हुआ, ऐसे डेज जो कि इंडिया के अंदर 150 है टोटल, या ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे टीचर्स डे, डॉक्टर्स डे, टीबी डे, या गांधी जयंती, विवेकानंद जयंती, या एनआरआई डे, इसको देखना अपने को ध्यान से। तो मैं आपको क्या एक एग्जांपल दिया मैंने, एनआरआई, एनआरआई जानते हो क्या होता है, एनआरआई लोग होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया के, इंडिया के होके भी इंडिया से बाहर रहते हैं ऐसे लोगों को एनआरआई कहा जाता है, ये ध्यान में आपके। तो ये इंडिया के होके भी इंडिया से बाहर रहते हैं, चीज समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। अब एनआरआई डे कब मनाया जाता है ये कौन बताएगा, अब आप कहोगे तो हमें नहीं पता एनआरआई डे कब मनाया जाता है, हाँ बताओ, कन्वर्ट बाद में करेंगे, पहले सीखो इस चैप्टर को। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप में से सारे लोगों को पता है कि एनआरआई डे कब मनाते हैं, आप लोग झूठ बोल रहे हो, आपको कैसे कैसे, तो अभी देखो आपको कैसे पता चलेगा एनआरआई डे कब मनाया जाता है, आपको नहीं पता, देखो अभी आप ही के अंदर से आंसर निकालूंगा। देखो एनआरआई कौन लोग होते हैं, जो इंडिया के रहके भी इंडिया से बाहर, तो फिर ऐसे लोग तो बहुत बुरे होते हैं यार, बैड लोग हैं, अपने कोई काम के नहीं, इंडिया के होके भी इंडिया से बाहर रह रहे हैं, तो ये तो बहुत बैड होते हैं, हालांकि नहीं होते, लेकिन मैंने बोला बहुत बैड है। बैड कन्वर्ट करो, बैड को कन्वर्ट करो, अभी आपको सिखाया ना। बी का क्या होगा, नाइन, वेरी गुड। ए का मैंने कुछ बताया था, नहीं बताया ना, ए का कुछ नहीं बताया तो इसको काटो। डी का कुछ बताया था, वन, तो आपके सामने मिला लिखा 91 नाम की कोई डेट होती है क्या, तो इसके बीच में अगर ऑब्लिक लगा दें तो क्या बनेगा, 91 यानी 9th ऑफ जनवरी, वेरी गुड। तो 9 जनवरी है, मैंने तो एक वर्ड बोला आपको कि ये बहुत बैड होते हैं, बैड आपने कन्वर्ट किया, डेट आपके सामने आ गई। चलो एक और चीज करते हैं, समझ में आई चीज,
तो फिर एक अगला आपसे पूछता हूँ, आप में से कितने लोगों ने नाम सुना है कारगिल का? कारगिल, कारगिल दिवस जानते हो? कारगिल विक्ट्री डे कब मनाया जाता है कौन बताएगा? नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं। अभी देखो आप सबको ध्यान है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है। मैंने देखो यहाँ पे लिखा कारगिल विक्ट्री डे, ठीक है। अब ये कब मनाया जाता है पता नहीं, कोई बात नहीं। आप में से किसी ने LOC मूवी देखी है या लक्ष्य मूवी देखी है ऋतिक रोशन की? देखिए आपने, किसी ने अगर नहीं देखी है तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या स्थिति है। कारगिल कहाँ पर है? लेह लद्दाख के पास में। लद्दाख का नाम सुना है? तो लेह लद्दाख में उसकी सीमा में घुसते ही पहला गांव कारगिल आता है, ठीक है। तो कारगिल वहां पर आपको ध्यान होगा, कारगिल और इंडिया के अंदर वहां के जो भी आतंकवादी या जो लोग भी टेररिस्ट थे उनमें लड़ाई हुई थी। तो वो कितने हजार फिट? 18,000 फिट, 18,000 फिट ऊपर कौन बैठे थे? दुश्मन। और इंडियन सोल्जर कहाँ थे? नीचे। तो जो दुश्मन लोग थे ना वो इतनी अच्छी पोजिशन पे ऊपर बैठे थे कि वो इंडियन आर्मी के सोल्जर के जहां चाहे वहां गोली मार सकते थे, चाहे यहां पर, चाहे नाक पे, आंख में, कान में, कहीं भी। इतनी शानदार पोजीशन पे था, इसलिए एक भी इंडिया का सोल्जर पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। ऐसी स्थिति में इंडिया की कैसी स्थिति होगी? ऐसे में कमजोर, ऐसी स्थिति को क्या बोल सकते हैं? नाजुक, नाजुक स्थिति थी। तो मैंने एक वर्ड लिख दिया यहां पे कि कारगिल विक्ट्री डे की समय, कारगिल वॉर के समय इंडिया की स्थिति कैसी थी। तो मैंने एक वर्ड लिखा, देखो NA नाजुक वर्ड लिखा है आपके सामने, कन्वर्ट करके बताओ क्या बनेगा। N का तो आपके लिए लिख दिया 2, A का मैंने कुछ बताया नहीं। तो काटो इसे। J का कुछ बताया? 6, वेरी गुड। और U का कुछ बताया? काटो। 7 का कुछ बताया? 7, K का 7, ठीक है। तो इसकी डेट कौन बताएगा क्या बन रही है? 2 तारीख 67 मंथ बनेगा, तो क्या बन गया? 26 जुलाई। तो देखो डेट है, मैंने तो एक वर्ड याद कराया आपको कि नाजुक स्थिति थी, नाजुक कन्वर्ट किया, आपके सामने डेट आ गई। चीज समझ में आ गई या नहीं? चलो अब आप सारे लोग यूथ हो तो आपसे यूथ लोगों की चीज पूछता हूँ। चलो आपसे पूछते हैं, बताइए आप में से कौन लोग बताएंगे मेरे को, ये विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है? विवेकानंद जयंती कौन बताएगा? नहीं ध्यान है, कोई बात नहीं, अभी याद हो जाएगी। आपको सबको ध्यान है लेकिन अभी ध्यान नहीं आ रही तो क्या करें। विवेकानंद जयंती को एक नाम से और जाना जाता है, वो क्या है? यूथ डे। क्या बोलते हैं? तो यूथ का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, और जवानी भरी आप में, तो यूथ हो आप, है ना। तब यूथ डे, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, आज के बच्चों को या आप लोगों को पीने में क्या पसंद है, ठंडा या गर्म? ठंडा। मतलब कोको कोला? तो आपने बोला ठंडा, तो मैंने लिख दिया, आपके आपके कहने से लिख रहा हूँ ठंडा, आपने कहा तो मैंने लिख दिया। कन्वर्ट करके बताओ, वन एच का कुछ है? नहीं। काटो। ए का कुछ है? नहीं। टू का कुछ है? नहीं। डी का कुछ है? नहीं। ए का कुछ है? नहीं। काट दो। तो ये तो आपके सामने है 121। 12 जनवरी, वेरी गुड, समझ में आ गया। मैंने तो आपको ये कहा विक्ट्री डे, सॉरी विवेकानंद जयंती कब मनाई जाती है, यूथ डे कब मनाया जाता है। तो मैंने एक चीज पूछा, आज के यूथ को क्या पीना पसंद है? ठंडा। ठंडा कन्वर्ट करो, डेट आ गई। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई, समझ में आ गई चीज? Yes, तो आप अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अभी आपसे दूसरी चीज कराते हैं। चलो कोई बुक वगैरह लेके आए हो? नेपाल को छोड़ो, बुक देखते हैं। SST की बुक लाए हो? ये चीज समझ में आ गई ना आपके? कोई ऐसा चैप्टर बताओ इसके अंदर जिसमें ईयर वगैरह लिखे हुए हो, कोई भी ईयर चैप्टर निकालो कोई। देखो भैया चैप्टर का नाम है, पहला ही पहला क्या लिखा हुआ है? 1857। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है? द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा हुआ दिख गया। अब अपने को तो पता नहीं है ये 1857 क्या है क्या नहीं है, इसमें क्या हुआ था। आप में से कोई ऐसा इंसान है जो 1857 में पैदा हुआ था? कोई नहीं है। तो जब आपने ये रिवोल्ट देखा ही नहीं, लड़ाई झगड़ा देखा ही नहीं, तो आपको दिमाग में बैठेगा नहीं। आपने मेरे को देख रखा है तो मैं आपको हमेशा याद रहूंगा, लेकिन आपने ये वॉर नहीं देखा, ये कुछ नहीं देखा, तो आपको याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं आपके दिमाग में इस 1857 की इमेज बैठाता हूँ। अभी एक चीज आपको बताऊंगा शानदार चीज, जिससे आपके दिमाग में चीज बैठ जाएगी। आप में से ऐसी बुक के अंदर कोई है जिन्होंने वॉर वॉर इसमें दे रखे हो, कोई तरह का वॉर ध्यान में? ये तो अब देखो द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसे इंडिया में टोटल 40 वॉर्स हैं। सारे इंपॉर्टेंट वॉर्स कितने हैं? 40 तरह के। अब इन जो जितने भी वॉर दे रखे हैं ना, इन सब के आगे 4 डिजिट का नंबर होता है, जैसे 1857,
या कोई 1786 1788 कुछ भी, ये ऐसे आपके सामने दिए हुए हैं। अब एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को बताऊंगा, देखते हैं आपको किसको याद होता है या नहीं। अब मैं यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि अगर दो डिजिट आएगी तो आगे आप 15 लगा दोगे क्या, अगर दो डिजिट आएगी तो आगे 15 लगा दोगे और तीन डिजिट आएगी तो आगे एक लगा दोगे, बस इतनी सी चीज याद रखनी है आपको। सारे 40 के 40 वो याद आपकी बुक में जो है वो भी याद, सिर्फ इतना सा याद रखोगे अगर दो डिजिट निकल के आई तो आगे क्या लगाएंगे 15 और तीन आएगी तो आगे लगाएंगे एक। याद हो गया, दिमाग में बैठ गया। तो आपको एक एग्जाम्पल करके बताता हूँ, जैसे मान लो ये आपकी बुक से नहीं करा रहा हूँ, पहले आपको एग्जाम्पल से याद करा रहा हूँ। इसका नाम सुना है किसी ने, वॉर ऑफ हल्दीघाटी का नाम सुना है? हाँ सुना है, तो फिर मेरे को कौन बताएगा कि हल्दीघाटी का युद्ध, हल्दीघाटी का वॉर कब हुआ था? बुढ़िया बताएगी, ये आपस में डिस्कस करके कुछ बताने वाले हैं। ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार मैं गई थी वहां पे, मैंने देखा था लड़ाई तो हुई थी। देखा आपने हल्दीघाटी का वॉर? गए थे? कहाँ पड़ता है ये? हम भी जाएंगे, सब चलोगे? तो ये बताने वाले हैं अभी, कहाँ पे बेटा ये? ये पीछे वाली गली में, तो बाथरूम के पास, फिर किधर है? अभी आप लोग लंच में खाना खाओगे वहीं जाओगे, फिर ध्यान में कहाँ है हल्दी? हाँ जी बताओ, उदयपुर, वेरी गुड, उदयपुर के पास में है, उदयपुर से शायद 80 किलोमीटर दूर। और ये हल्दी रंग का टी शर्ट पहन के आया इसलिए इसने बताया, इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि हल्दी टी शर्ट पहन आया। अभी आप यहाँ पे देखो क्या है, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था इसको याद करते हैं। आपके घर में खाने के लिए कुछ ये चीज होती है क्या? तो फिर तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, घर में खाने के लिए हल्दी होती है। आपकी मम्मी या पापा मार्केट से हल्दी खरीद के किस तरह से लेके आते हैं? भाव के हिसाब से लाते होंगे कि किलो के भाव कितने, किलो रुपए किलो है यही पूछते हैं, कितने रुपए किलो यही पूछा जाता है। तो हल्दी किस तरह से लाई जाती है? केजी के भाव लाते हैं, तो केजी कन्वर्ट करना जरा, 7 6 लिख दूं, जब दो डिजिट आएगी तो आगे क्या लगाओगे? तो यार ये तो आपके सामने चारों डिजिट पूरी होगी। 1576 में क्या हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध। ये तो बहुत सिंपल है, तो बहुत सिंपल सी चीज हो गई। ये मैंने अभी एक चीज कराई, अभी आपकी बुक पे आया नहीं हूँ, बुक पे भी आएंगे, पर मैंने आपको तरीका बताया कि ऐसे याद होगा। तो दो डिजिट आई तो आगे 15 लगा दिया मैंने। अब तीन डिजिट का आंसर बताता हूँ, तीन डिजिट आती है तब कैसे करते हैं, उसके बाद आपकी बुक देखेंगे। चलो आपने बिहार सुना है क्या? तो बिहार में एक जगह है जिसका नाम है बक्सर, बक्सर नाम की एक जगह है। बक्सर बहुत ही खतरनाक जगह पहले कभी हुआ करती थी, बहुत ज्यादा गुंडागर्दी वगैरह होती थी। हमने ऐसा सुना है कि जो लोग ट्रेन में जाते थे उनकी अंगूठियां निकालने के लिए उंगली भी काट देते थे वो लोग, इतना खतरनाक मामला हुआ करता था बिहार में पहले कभी। अभी है कि नहीं कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पहले हुआ करता था, ठीक है। तो ये बक्सर जो, मैं भी मेरा एक्सपीरियंस आपको बता दूं, जैसे आप लोगों को हम क्लास करा रहे हैं वैसे ही हम पटना के पास, पटना नाम सुना होगा, पटना के पास बक्सर पड़ता है, तो बक्सर हम लोग जा रहे थे। तो हमें लोगों ने बताया कि सर टाइम पे पहुंच जाना गाड़ी से, नहीं रात में लूट खसोट हो जाती है यहाँ पे 8 बजे बाद में। तो हमारे को भी डर लग रहा था भाई कौन सी जगह ऐसी आ गई। तो ये कौन सी जगह है? बक्सर। अब इस बक्सर का मेरे को याद करना है कि कौन सा ईयर था, क्योंकि ये वॉर ऑफ बक्सर है, ये भी वॉर हुआ था यहाँ पे, वॉर ऑफ बक्सर। तो बक्सर का युद्ध याद नहीं है कि कौन से डेट पे है, तो कैसे याद करेंगे? तो अब ये आप में से कितने लोगों ने बक्सर का युद्ध देखा है? किसी ने नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। तो अपन बक्सर गए, आप लोग नहीं गए, मैं भी नहीं गया, जब तक मैं नहीं गया था तब तक ही बता रहा हूँ। तो मैं भी नहीं गया, आप भी नहीं गए, हमने आंखों से देखा भी नहीं है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड सामने आ जाए जिसे हमने कभी पहले नहीं सुना, कभी नहीं देखा, अगर ऐसा कोई वर्ड हमारे सामने आए तो वहां पर इस वर्ड को एक फनी वर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इस बच्चे को क्या बोला, अरे यार हल्दी का टी शर्ट पहन के आया, तो अभी मेरे को हमेशा याद रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि अरे वो हल्दी वाला टी शर्ट वाला बच्चा नहीं आया क्या, तो आप तुरंत इसका नाम बता दोगे ना। तो मैंने इस बच्चे को फनी वर्ड के साथ में जोड़ दिया, वैसे ही मैं क्या करूंगा, बक्सर वर्ड को बॉक्सर बना देता हूं, ठीक है। ये मैंने बना दिया बॉक्सर, मैंने एक वर्ड लिख दिया क्या, अब बॉक्सर की वजह से आपको क्या याद आ जाएगा, बक्सर, बक्सर याद आएगा ना, बॉक्सर से याद आ जाएगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि यार मेरा एक दोस्त है वो बॉक्सर है, लेकिन एक दिक्कत है कि वो सिगार बहुत पीता है। सिगार जानते हो, सिगार एक काइंड ऑफ सिगरेट होती है, तो वो सिगार बहुत पीता है, बस मैंने ये याद रखा। अब मेरे को क्या याद आ रहा है,
बॉक्सर, बॉक्सर से बक्सर याद आएगा, और बॉक्सर मेरा दोस्त है लेकिन वो सिगार बहुत पीता है, तो सिगार वाले पीने वाला काम कर रहा है। तो आपके सामने मैंने एक वर्ड लिखा है सिगार, इसे कन्वर्ट करके बताओ कौन कन्वर्ट करेगा, फटाफट बोलिए। सेवन, इसका कुछ है आई का, जी का सिक्स, ठीक है जी, ए का कुछ है, आर का कुछ है, तो जब तीन डिजिट आएगी तो आगे क्या लगाएंगे, वन, तो क्या बन गया, तो 1764 को क्या हुआ था, बक्सर का वॉर। तो ये आपकी जो बुक के अंदर दे रखे हैं ये ऐसे अपने को याद करने हैं। अब मैं आपको एक चीज मेरी तरफ से पूछता हूँ, आप में से गर्ल्स बैठी है क्या, गर्ल्स है क्या, मैंने देखा नहीं, गर्ल्स है कोई, बैठी है, वेरी गुड। तब आप लोगों को बताना है, गर्ल्स बताएगी, आप लोग नहीं बताएंगे, ठीक है, आप लोग तो सुनेंगे, गर्ल्स से पूछते हैं। एक वॉर हुआ है जिसका नाम है घाघरा का युद्ध, घाघरा एक जगह इंडिया में, घाघरा का युद्ध। घाघरा क्या होता है, पहनती है ना लेडीज, पहनने वाली चीज है घाघरा, जानते हो, तो घाघरा को मैं हिंदी में लिख देता हूं, देखो घाघरा का, घाघरा का, ठीक है जी, यहां लिख देते हैं वॉर ऑफ, वॉर ऑफ घाघरा। अब पता नहीं वो घाघरा कहाँ हुआ था, क्या है, हमने तो पहनने वाला ही देखा है, घाघरा जगह नहीं देखी, और ना हमने ये इस जगह का युद्ध देखा है, नहीं देखा। तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर घाघरा खरीदना है लेडीज को, गर्ल्स को, तो मार्केट में जब जाएगी शॉप पे तो कैसे खरीदेगी, ये बोलेगी क्या दुकान वाले को, अरे दे दे कोई भी, कुछ भी उठा के पहन लोगे, या कोई तरीका है, कैसे खरीदते हो आप कपड़े, पैसे तो दोगे लेकिन उससे पहले ऐसे ही कह देते हो गए, पैसे पकड़ा देते हो घाघरा, कैसे, चेक करके, क्या चेक करते हो, पहन के क्या देखते हो, साइज देखते हो, साइज को कुछ और बोलते हैं हिंदी में, घाघरा लड़कियां कैसे देखती है, नाप के, वेरी गुड, घाघरा लड़कियां कैसे खरीदती है, नाप के, कुछ भी उठा के थोड़ी ले आती है, तो जब नाप के खरीदती है तो नाप कन्वर्ट करके बताओ, टू, एक काट दूं, एन, नाइन लिख दूं, जब दो डिजिट आएगी तो क्या करोगे, तो ये तो यार घाघरा का युद्ध तो 1529 में हुआ है, खत्म कहानी। तो याद हो गया, सेम ऐसे कैसे आपकी बुक्स के अंदर जो दे रखे हैं ईयर, ये अभी अपन इसको करेंगे। अब आप में से कौन व्यक्ति मुझे बताएगा द रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में कुछ हल्का फुल्का, जानते हो ये क्या चीज है, क्या चीज है, जानते हो, जानते हो कि नहीं, मेरे को पता नहीं है भाई, मैं तो यहाँ पे एक ईयर लिख रहा हूँ आपके सामने, 1857, 857, मैंने तो सिर्फ ये लिखा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1857, ठीक है। अब 1857 की क्रांति वही है ना, ये 1857 को, अब आपको ये हल्का फुल्का ध्यान में, लक्ष्मीबाई वाला है क्या, हाँ रानी लक्ष्मीबाई, बैटल ऑफ 1857, सन 57, 1857, 1857 ध्यान में आ गया, क्या है, क्या ये वॉर किस चीज का है, अरे किसके बीच हुआ था, सिर्फ एक वर्ड बताओ, अंग्रेज, अंग्रेज और ब्रिटिश और, अरे इंडिया में कौन था, बस तो एक एक वर्ड याद रखना, लक्ष्मीबाई, ठीक है, सिर्फ एक लक्ष्मी ध्यान है आपको, लक्ष्मीबाई किन अंग्रेजों से लड़ी थी 1857 की क्रांति, ठीक है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857, इतना लक्ष्मीबाई याद रखो, बाकी तो आप कहानी गाइड होगे, पर मेरे को पहले बताओ 1857 में लक्ष्मीबाई का हुआ था इसको याद कैसे करेंगे, तो वन का क्या होता है, टी और डी, कुछ भी, तो आपकी मर्जी पे, मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, टी और इधर डी भी लिख देता हूँ, इसका एफ और वी भी होता है ना, वी भी लिख दिया, ठीक है, एल, इधर भी एल, इधर भी एल, इसका इधर के, इधर सी, आपके पास में दो चॉइस दे दी मैंने, देखो ये इन दोनों में से जो भी आपको आसान लगे उसके हिसाब से एक वर्ड बना के बताओ, ए टी एफ एल के और डेविल, ये डेविल कहाँ यार, ये तो सी लिखा हुआ है उस्ताद, अगर डेविल बनाओगे ना डे, अच्छा अब एक मेरी और चीज ऑप्शन सुन लो, ये दो ऑप्शन आपके पास में, आप में से कौन व्यक्ति इसका अर्थ कोई मीनिंग बनाएगा जिसका अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, जो मैंने फोनेटिक लिखाए हैं उसमें से एक भी लेटर इसके अंदर नहीं घुसाओगे, उसमें से एक भी चीज इसमें नहीं आएगी, उसके अलावा जो भी लेना चाहो ले लो, जैसे दिख नहीं रहा, इमेजी दिख नहीं रहा, बताए अभी दिखा, रिफ्लेक्शन आ रहे हैं यार, बड़ी दिक्कतें आ रही है, तो अपने को इसको लगा देते हैं, दिक्कतें, अब देखो उसके ब्रेन ने आंसर नहीं दिया इसका, उसने बहाने फेंके, रिफ्लेक्शन आ गया, और आज की देर से आप नहीं बोल रहे हो, आप बताओ क्या होगा बेटा, सन 57 की वो क्रांति थी, अब ये देखो लिखा है टी एफ एल के डी वी एल सी, बढ़िया सा कोई कॉमेडी वाला शानदार सा कोई वर्ड बना के बताओ इसका क्या अर्थ बन सकता है,
और कुछ मीनिंग निकलना चाहिए ऐसा वर्ड बताना। अब जैसे ही आप वर्ड बनाओगे मैं रानी लक्ष्मीबाई से उसको कनेक्ट कर दूंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन वर्ड आप बनाओ, बना मैं भी सकता हूँ, लेकिन मेरे बनाए हुए उधार वाले आपके चलेंगे नहीं। आपके दिमाग में से कोई निकल के आएगा वो हमेशा याद रहेगा। तो इसका बनाओ TFL के क्या बन सकता है, DVLC से क्या बन सकता है, जल्दी बनाओ। देखें जो बनाएगा उसको मेरी तरफ से एक चौक गिफ्ट है। अरे टॉफी ले लेना यार, बनाओ तो सही। अरे बना बालक, तू बना क्यों नहीं रहा, गद्दी तो ऐसे लगा के बैठा है कि कुछ गंदा नहीं हो जाए। इनकी हेल्प तो कर दो, वो लिख रहे हैं तो बताओ इन्हें। देखो TFLK, यहाँ पे आपको लेटर जोड़ सकते हो, यहाँ जोड़ सकते हो, यहाँ 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 कुछ भी जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, लेटर ही आपके सामने है। लगाओ दिमाग और कोई वर्ड बना के बताओ। मैं आपके लिए एक हेल्प ये कर सकता हूँ कि आपकी बुक के अंदर जितने भी ईयर हैं अगर आप किसी पेज पे लिख के दे सकते हो तो मैं आपके लिए वर्ड बना दूंगा। नेक्स्ट संडे को आपको सारे मिल जाएंगे, सारे याद करा दूंगा। लेकिन अभी आपको तुरंत बनाना है क्योंकि ऑन द स्पॉट बनता नहीं है। लेकिन आप इतने सारे लोग हो, इतने सारे ब्रेन है, मैं अकेला रहूंगा तो आप इतने सारे ब्रेन है, मिल बांट के बना के बताओ क्या बना सकते हो। और कोई इंग्लिश वर्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी फनी और हिंदी वर्ड भी बन सकता है। जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज में बनाते हैं अपन, व्हाट्सएप भाषा में बन सकता है। वेरी गुड वेरी गुड, सही बता रहे हो। देखो क्या लिखा, टॉफी और ले और के। बस एक चीज का ध्यान रखना था आपको, एफ और ई तो कहीं आया नहीं है, किसने बनाया। अब देखो क्या बनाएंगे, 1857 में बनाया टॉफी लेके, टॉफी लेके यार, टॉफी लेके कौन लड़ रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। एक टॉफी खाई और चालू हो गई लड़ना, तो टॉफी लेके कौन लड़ रहा था, रानी लक्ष्मीबाई। तो आपको याद रहेगा, और मैंने अभी तक आपको कोई दूसरा ईयर याद कराया नहीं है जिसमें कोई दिक्कत आ रही हो, सिर्फ अभी रानी लक्ष्मीबाई क्या लेके लड़ रही थी, टॉफी लेके, टॉफी लेके लड़ रही थी कि यार मेरी टॉफी वापस दे दो, या टॉफी खा के लड़ रही थी, तो टॉफी के लिए लड़ रही थी। एक वर्ड बना दिया, चलो दूसरा वाला बना के बताओ। अभी मैं आपसे 10 दिन बाद भी पूछूंगा ना कि टॉफी लेके कौन लड़ रहा था, तो आपको याद रहेगा। चलो अभी एक चीज और करते हैं, ये मैंने एक वर्ड हटा दिया और इसको भी भूल जाऊं। अब आपका एक टेस्ट लेता हूं। देखो मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे TOFILEKE। अब आप मेरे को इस, मैंने एक वर्ड लिखा है टॉफी लेके, इस टॉफी लेके को कन्वर्ट करके बताओ कौन सा ईयर निकलता है। वन ओ का कुछ होता है तो काट देंगे, एफ का कुछ होता है, आई का कुछ है, एल का कुछ है, ई का कुछ है, सॉरी काट गलत दिया यार, एल का, ई का कुछ है क्या, नहीं है, काटो। के का 7 और ई का कुछ है, तो देखो 1857 आपके सामने आ गया। आपको ये 1857 याद में नहीं रखना है, आपको केवल ये टॉफी वाला पंगा याद रखना है, टॉफी लेके, टॉफी लेके। अब देखो कैसे लड़ रही है टॉफी लेके, ये आपने नहीं देखा, ये टॉफी लेके लड़ रही है, मेरी टॉफी वापिस दो, देख लो टॉफी लेके लड़ रही है। तो इतनी खतरनाक इमेज बन गई इसकी, तो अब ये दिमाग आपके दिमाग में बैठ जाएगी कि अंग्रेजों से लड़ ली टॉफी लेके, कि टॉफी लेके लड़ ली है। देखो जबकि ये पीछे वाला बच्चा है ना, ये मांग रहा है टॉफी, टॉफी लेके लड़ ली। तो अब आपको ध्यान में आ जाएगा, कन्वर्ट करना आ गया। अभी मेरे को कोई और सन निकाल के बताओ, कोई और चैप्टर, किसकी बुक है, कौन बताएगा। बुक तो तुरंत देता है, कॉपी पेन लाता नहीं है, जल्दी जल्दी कोई और निकाल के। बाल छुपा लिए इन्होंने, और कलर कौन सा है, तो बाल ला, बाल गंगाधर तिलक। लाल बाल पाल, ये देखो ये इन्होंने बताया कि लाल बाल पाल, तो बच्चों को क्या करना पड़ता है, पालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लाल है, अपने बाल को पाल रहे हैं। अभी देखते हैं अपन, अभी इनको ईयर कहाँ बेटा, इसमें पहले यार वो ले आप, ये वाला 1857 का, इसका बताओ। अब ये आपकी चॉइस है भैया, आपकी चॉइस है, कुछ भी ले लो, CHGJJ जिससे भी शॉर्ट बनता हो। तो टॉफी वाले भाई साहब अब बनाइए कोई और बढ़िया सा। देखो 1856 है, और ये बताया था ये बाल गंगाधर तिलक जो है, बाल ही है ना, तो ये बाल गंगाधर तिलक जो है ये पैदा हुए थे इस दिन, कब हुए थे, 1856 में। तो ये इसका कोई वर्ड बना के बताओ, इसका और इसका, ये क्या है, एल है, ध्यान में रखना भाई साहब, कुछ और एल मत, आई मत समझना, बनाइए इसका कोई बढ़िया सा। अब वहाँ पे CH आ गया, और वहाँ चाहो तो जे ले सकते हो, जी ले सकते हो, CH SH कुछ भी ले सकते हो, है जी। तो आप ये बना सकते हो, ऐसा ही वर्ड बनाना जैसा उस बच्चे ने बनाया था, बढ़िया। हाँ बताओ,
हाँ आप बताओ, ये एक ये तो हो गया। अब तो अगर आपने यही वापिस जोड़ा ना टॉफी, तो फिर आप रानी लक्ष्मीबाई को इंडिविजुअल रहने दो, उससे टॉफी और ये टॉफी में कंफ्यूज हो जाओगे। पैदा होते ही दवा लेगा, मैंने क्या लिखा है, दवा लेगा, अरे लेगा दवा लेगा, ये आदमी पैदा होते ही दवा लेगा, सही है। तो ये आदमी कौन है, ये लाल बहादुर, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, दवा लेगा। अब मैं इसको लाल बहादुर बाल गंगाधर तिलक पैदा होते ही क्या लेगा, तो आपको ये याद रखना है दवा लेगा। अभी आपके सामने इसको कन्वर्ट करो, अब ये अगर आपने वर्ड देख लिया यहाँ पर, ये दवा लेगा, इसको छोड़ो, कब लेगा, पैदा होगा तब लेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा देखो, 1856, इधर क्या लिखा 1857। अगर आप मेरे को ऐसे ऐसे लिख लिख कर दे दोगे तो इसके आगे मैं वर्ड बना दूंगा, ठीक है ना। अब मैंने आपके लिए इसके लिए क्या बन गया, और इसके लिए क्या बन गया, ये देखो, अब ये टॉफी लेके कौन भाग रहा था, दवा लेके कौन पैदा हुआ। अब इस लाइन को या तो ये बोल सकते हो कि दवा लेके पैदा हुआ कौन, या फिर पैदा होने के बाद क्या लेगा, कुछ भी बना सकते हो। तो ये दो बन गए, ऐसे ही आपके ईयर अगर आप मेरे को बताओगे तो मैं जोड़ दूंगा, उससे आपका जो मटेरियल है वो कनेक्ट हो जाएगा। होते ही बन गया, फनी है फनी होते ही आपको याद। अब देखो 1526 ये बताया गया आपने। अब देखो इसका फंडा बताता हूँ, अगर आपको 1526 याद रखना है तो मैंने एक चीज बताई थी, दो डिजिट आएगी तो आगे 15 लगा दो, तो ये 15 तो वैसे भी आपको याद रहेगा, तो आप केवल 26 का वर्ड बना लो, तो 26 का। अब पहले मेरे को ये बताओ कि है जी, अरे जनवरी थोड़ी बनाना है, 26 का वर्ड बनाना है, तो 26 का क्या बन सकता है, एन और जी, इससे बना सकते हो आप नाग, नाग बन सकता है। लेकिन आप पहले मेरे को बताओ इसमें हुआ क्या था, 1526 में क्या हुआ था, आपने बोल तो दिया पर हुआ क्या था वो बताओगे तो मैं आपको वर्ड बना के बताता हूँ। 1526 में क्या हुआ था, क्या किताब में से देखा है या टप्पा मारा है, टप्पा फेंका है, किसने बताया ये 1526 क्या हुआ था, अरे 1526 में क्या हुआ था बोलो, मन से बोला है या कुछ हुआ है इसमें, मन से बोला है तो कोई बात नहीं, ऐसा जो आपने ईयर बोला ऐसा आपकी बुक में से निकल, ठीक है 1945 लिख लेते हैं, ठीक है ये बुक में है, अरे आपकी जो बुक में है वो बोलना, 1764 आप क्या बोल रहे थे, 1945 ठीक है। एक और ले लेता हूँ कोई और, हाँ गुड़िया 1829, अरे बस बैठ जा। अब देखो ये आपके सामने दे रखा है 1764, 1945, 1829, क्या किया जाए इसका, तो ये जो आपके सामने दे रखे हैं ना ईयर, अब इसका बनाओ, देखो वन का क्या होता है टी, और इसका सेवन का के, और सिक्स का सी एच, और इसका फोर का आर, इसका बनाइए, वन का टी, इसका पी, इसका आर, इसका एल, इसका क्या बनेगा, वन का टी, एफ और एन और पी, आपके साथ, हाँ बताओ, टकलू चोर। देखो इसने बोला तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे टकलू एल भी डाल दूंगा ना तो एल का फाइव होता है तो ईयर कुछ और हो जाएगा, तो ये टकलू चोर तो ठीक है कि चोर बन सकता है, ठीक है चोर बना दिया आपने, वेरी गुड। इसका टकलू में टी ए, ये टक तो ठीक है, ये एल नहीं डाल सकता लू, अगर एल डाल दूंगा तो फिर ये बन जाएगा 17564 हो जाएगा, ये यहाँ ये तो 17 तो ही, एक पांच और जोड़ना पड़ेगा मेरे को यहाँ, तो एल का कोड 5 होता है ना, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं जोड़नी है जो उस फोनेटिक में आती हो, तो यहाँ तो ठीक है। इसका बताओ, ये अगर आपको लग रहा हो ना कि सर ये के नहीं जम रहा, तो यहाँ सी भी लिख, ए बोलो, एक टके का चोर, ए हाँ यार वेरी गुड वेरी गुड, हाँ हाँ जोड़ रहा हूँ जोड़ रहा हूँ, आटा वेरी गुड, आटे का चोर ये आपका जोड़ देते हैं, चलो एक और ये लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आटे का चोर। अब ये 1764 में क्या हुआ था, बुक में क्या लिखा हुआ है,
1764 में क्या हुआ था? किसने बताया? अरे नहीं, किसने बताया इसमें हुआ क्या, घटना घटी थी? बक्सर के बारे में बताया। आ तो लेके आ जा तू, दिखा भाई। 1764 में लाइन लिखी होगी ना कि क्या हुआ था। ईयर कहाँ लिखा है, ईयर बताओ। अरे ईयर कहाँ है? देखो लिखा है बैटल ऑफ बक्सर इन 1764 आफ्टर विनिंग। सिगार। अरे तो आप मेरे को बोलते ना कि बक्सर का युद्ध, तो वो तो अपन ने याद कर लिया ना सिगार से। ये तो सिगार से हो गया था ना, फिर आप ये लेकर आए हो 1764। फिर ये भी 1757। ले जाओ ले जाओ। अरे बच्चों इधर देखो, 1757 भी इसमें। इसमें क्या हुआ था? वॉट टुक प्लेस, अनफेयर प्रैक्टिस। ये सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का नाम सुना है आपने? बहुत खतरनाक लोग। अब इधर देखो, एक चीज आपको बताने वाला हूँ, इसको हटा दूं? नहीं हटाऊंगा। इधर देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 1764। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, अटेगा चोर, ठीक है। लेकिन आप में से किसी ने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया कि ये तो मैं आपको करा चुका हूँ। अरे आटे के चोर, ये तो मैं आपको करा चुका हूँ ना, फिर याद रख लो। दोनों में से जो ठीक लगे याद रख सकते हो, आपको जो ठीक लगे। ये आपको याद हो गया, ये याद हो गया 1764। अब इसका कौन मनाएगा? 19, हाँ बताओ। 1945 में TPRL, इसका बना के बताओ। छोड़ दो टी को, क्योंकि तीन डिजिट आएगी तो आगे वन लगाई दोगे ना, इसको तो छोड़ दो। आप केवल इसका बनाओ, 945 का बनाओ केवल। अरे ये PRL का, PRL। तो तू क्या पार्ले, क्या होता है ये? पार्ले, एल ई होता है, जे जे ए, पार्ले, ये पार्ले ठीक है। पार्ले ठीक है, ये मुंबई में जगह है पार्ले, और जाना है क्या? जल्दी इधर आ, भाग के आ जाए इधर। इसका बनाओ, ये तो बना दिया आपने, पार्ले बन गया। ये दवा लेगा टॉफी लेके, और ये आटा चोर पार्ले। अब इसका बनाओ।